हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर है कि किस तरह से क्रिश्चियंस भी जो है वो सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से आप लोग भी चेकआउट कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है अमेरिकन हिंदुओं के द्वारा हर साल निकाले जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की, जिसमें एक अफ्रीकन हिंदू भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में अशांति फैलाने के लिए आए क्रिश्चियन प्रोटेस्टर के साथ भिड़ जाता है, और ये अफ्रीकन हिंदू इस क्रिश्चियन प्रोटेस्टर की सनातन और भगवान कृष्णा के बारे में बोले जाने वाली नेगेटिव बातों से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अमेरिकन पुलिस के सामने ही ये अफ्रीकन हिंदू इस क्रिश्चियन प्रोटेस्टर को मारने के लिए आ जाता है, पर दूसरे कृष्णा भक्तों के द्वारा इस अफ्रीकन हिंदू को बहुत ही मुश्किल से रोक लिया जाता है ताकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शांति बनी रहे। पर दोस्तों इसके बावजूद भी ये अफ्रीकन हिंदू इस क्रिश्चियन प्रोटेस्टर के प्रति अपना गुस्सा दिखाता रहता है, क्योंकि ये भगवान कृष्णा और हिंदुओं के बारे में नेगेटिव बातें बोल रहा होता है, जिसके कारण ये क्रिश्चियन प्रोटेस्टर इस अफ्रीकन हिंदू से बाल बाल बचकर यहाँ से चुपचाप निकल जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। पर दोस्तों विदेशों में लगातार सनातन कल्चर के बढ़ते ट्रेंड के साथ साथ वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रोटेस्ट भी बढ़ते ही जा रहे हैं, खासकर विदेशों में हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर इनके प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि न केवल अमेरिका में बल्कि बहुत सारे वेस्टर्न देशों में हर साल विदेशी हिंदुओं के द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें हजारों विदेशी हिंदू शामिल होते हैं, और विदेशों में सनातन के बढ़ते प्रचार के कारण इस रथ यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या भी हर साल बढ़ती ही जा रही है। पर दोस्तों भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में अशांति फैलाने के लिए वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं ताकि क्रिश्चियन युवाओं को सनातन धर्म अपनाने से रोका जा सके, क्योंकि अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में हर रोज सैकड़ों क्रिश्चियन युवा क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म अपनाते जा रहे हैं। पर अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि विदेशों में यूथ क्रिश्चियनिटी क्यों छोड़ रहा है, क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के आगे क्रिश्चियनिटी दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, और आखिरकार फेमस क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म क्यों अपनाते जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। I was raised and grew up for the better part of my youth as a Christian, going to church every single Sunday, reading the Bible, things like that. You might see that I don't teach much about Western religion. People ask me to do videos on Islam, do videos on Christianity and Catholicism. So today I want to make a quick video. Surprisingly, this is going to be a quick video because it's a big topic. And it's going to be about why I chose Hinduism. Today I'm going to be telling you about why I became a Hindu.
So, inquiring minds want to know, why would I leave the church and seminary to become a Hindu? I was asked by some subscribers and friends to make a video on how I gave up Christianity and became a Hindu and later on a Vaishnava. तो दोस्तों, अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में Christianity अपने डिक्लाइन पीक पर क्यों जा रही है? इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको मिलना होगा जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग से, या फिर कहले कविंदर ऋषि से, जो कि इनका हिंदू नाम है। इनको वेस्टर्न मास्टर ऑफ ईस्टर्न विजडम के रूप में भी जाना जाता है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इनके बारे में जानना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग कनाडा से एक साइकोलॉजिस्ट और एक फेमस वैदिक फिलोसोफर है, जिनका हिंदू नाम कविंदर ऋषि है, क्योंकि इनका जन्म तो एक कैनेडियन क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, पर क्रिश्चियनिटी से निराश होकर इन्होंने सनातन धर्म अपनाया, जिसके बाद इन्होंने अपना हिंदू नाम कविंदर ऋषि रख लिया। ये सिलिकॉन वैली में एग्जीक्यूटिव के रूप में भी अपना बेहतरीन योगदान दे चुके हैं, पर सिलिकॉन वैली में ये अपना करियर छोड़कर पिछले 50 सालों से सनातन धर्म के वेदों की बहुत ही डीपली स्टडी कर रहे हैं, और वेदों के प्राचीन ज्ञान से इंस्पायर होकर इन्होंने कनाडा में वासा यानी कि वैदिक एकेडमी ऑफ साइंसेज और आर्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन भी फाउंड की है, जहाँ से ये सनातन धर्म के वेदों का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, जहाँ से हजारों क्रिश्चियन और दूसरे मजहबों के लोग सनातन धर्म की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। पर दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बनकर ही क्रिश्चियनिटी के साथ अपना जीवन व्यापन क्यों नहीं कर सकते थे, यानी कि आखिरकार ये क्रिश्चियनिटी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करने लगे, जिसके कारण इन्होंने सनातन धर्म अपनाया और कविंदर ऋषि बन गए। दोस्तों, सिटी मीडिया की एक वीडियो में, जिसका टाइटल है आई ब्रोक फ्री फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू बिकम ए हिंदू हियर इज ए व्हाई, इस वीडियो में इन्होंने बताया है कि मैं एक कट्टर ईसाई परिवार में पला बड़ा, बाइबल पढ़ना और चर्च जाना ये मेरे लिए रोज का काम था, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने अपने आप से क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए, तो क्रिश्चियनिटी के पास मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं थे। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ब्लाइंडली क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा हूँ, और इसके बाद जब मैंने मेरे स्कूल टीचर्स और मेरे चर्च मिनिस्टर से क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए, तो चर्च का मिनिस्टर मेरे प्रश्नों का जवाब देने की बजाय मुझसे चिढ़ जाता था, क्योंकि उनके पास मेरे क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं थे। इसीलिए धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी से मेरा विश्वास कम होता गया, क्योंकि मेरे प्रश्नों के जवाब मुझे बाइबल और चर्च के गुरुओं से नहीं मिले थे। और इसके बाद मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा, जिससे मुझे मेरे हर प्रश्न के जवाब मिले और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला, जिससे मुझे संतुष्टि मिली और मैं सनातन धर्म को जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने, यानी कि कविंदर ऋषि ने, अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बताया है कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्यों छोड़ा और दूसरे मजहबों की स्टडी करने के बाद सनातन धर्म क्यों अपनाया। जैसा कि इन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि 80% क्रिश्चियन सनातन धर्म को क्यों अपना रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है Why are Christian adopting Hindu karma and reincarnation? और अब कविंदर ऋषि भगवत गीता और वेदों के ज्ञान से हजारों क्रिश्चियन को सनातन धर्म का ज्ञान देकर सनातन धर्म में लीन कर रहे हैं। If you haven't read the Vedas, especially the Bhagavad Gita, I just did a translation of it recently called The Bhagavad Gita Comes Alive. But take a look at some of this library of Vedic knowing. Don't be prejudiced by politics of the world. Just be someone seeking truth, and that's what I'm telling you. Truth seeking is a game we play from life to life. पर दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, बल्कि फॉरनर क्रिश्चियन यूथ को सनातन धर्म में योग, मेडिटेशन और भगवत गीता का ज्ञान इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि बहुत सारे क्रिश्चियन यूट्यूबर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस को अपलोड करके ये खुद बता रहे हैं कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्यों छोड़ा। तो जब मैंने इन सब की वीडियोस देखी, तो तब मुझे इन सब में एक बात बहुत ही ज्यादा कॉमन मिली कि इनको क्रिश्चियनिटी में अपने प्रश्नों के जवाब ही नहीं मिल रहे थे, और इसलिए ये क्रिश्चियनिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहते थे। जैसे आप इनसे मिलिए, ये है अमेरिकन फेमस यूट्यूबर विसुधा दास, जिनके चैनल पर 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर ये अपनी फैमिली के साथ सनातन के कल्चर को प्रमोट करते हैं। इन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी क्यों छोड़ी। इनकी इस वीडियो का टाइटल है व्हाई आई लेफ्ट क्रिश्चियनिटी। इस वीडियो को बनाने के लिए इनको दुनिया भर के लोगों ने सपोर्ट किया है, जिनका सबूत आपको इनके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि इनकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने ये बताया है कि हमने भी क्रिश्चियनिटी कुछ ऐसे ही
कारणों से छोड़ी थी। तो दोस्तों, आपको YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो कि ये खुद बता रहे हैं कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी क्यों छोड़ी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज विदेशों में अलग अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लाखों लोग क्रिश्चियनिटी और दूसरे मजहबों को छोड़कर खुशी खुशी सनातन की फिलोसफी को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वहाँ के क्रिश्चियन प्रोटेस्टर बौखलाए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी कई दिनों की मेहनत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और अच्छा, मुझे इस वीडियो के देखने के बाद एक बात मेरे जो समझ में आई है ना, वो मैं जरूर शेयर करूंगी, और वो ये कि मतलब कोई भी इंसान जो है ना, वो अपना मजहब या अपना रिलीजन पता है क्यों छोड़ता है, क्योंकि उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते। और इस वीडियो का भी मेन मकसद यही था कि जितने भी क्रिश्चियंस थे उनके माइंड में, क्योंकि इंसान जब छोटा होता है ना, उसके जहन में वही चीजें आती हैं जो उनके पेरेंट्स या उनके जो टीचर्स या स्कूल से वो जो सीखता है ना, वो उसके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, उसकी थिंकिंग भी बढ़ जाती है, और वो जब इधर इधर उधर की चीजें देखता है तो उसके जहन में 100 टाइप के सवाल आते हैं कि ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे क्यों नहीं है, ये अगर उस तरीके से। नो डाउट बचपन में भी बच्चों के जहन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बचपन में उनको झड़क देते हैं कि यार ये अभी तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, या हम उनको जो है वो थोड़ा ट्रोल वगैरह करके, थोड़ा इधर उधर करके जो है वो उनको उनके आंसर दे देते हैं, जिससे वो उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और वही चीज उनके जो है ना वो दिमागों में बैठ जाती है, और फिर बड़े होने तक उनमें वो चीज रहती है कि वो क्वेश्चंस करने की उनकी जो है, या वो कहते हैं ना कि इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की उनमें वो चीज रहती है। और ये चीज ये भी मुझे लगता है कि किसी किसी में होती है, हर किसी में ये चीज नहीं होती है। तो इन जितने भी ये क्रिश्चियंस हैं, इनको उनके आंसर नहीं मिले बकौल इस वीडियो के भी, और मेरे भी ये जहन में आया कि उन्होंने जो अगर उन्होंने स्कूल में अपने टीचर से पूछा, या अगर उन्होंने जो इनके वो होते हैं प्रीचर जो होते हैं चर्च में, जो इनके गॉड या जो भी वहां पे प्रीचर होते हैं, उनसे पूछा, उनको भी इसके आंसर नहीं मिले, तो फिर उन्होंने जब ये भगवत गीता पढ़ी, और यहाँ पे भगवत गीता के बारे में मैं ये जरूर कहूंगी कि मुझे जहां तक लगता है, अभी हालांकि मैंने पढ़ी नहीं और मेरा दिल कर रहा है वैसे इसको पढ़ने का, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो है ना जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक तमाम इंसानियत से रिलेटेड है। मतलब उसमें इस तरह से नहीं है कि फलां ने ये कहा कि तुम ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जितनी भी चीजें हैं ना, वो इंसानों के लिए हैं और इस दुनिया से, इस डेली रूटीन से रिलेटेड उसमें। कि हमने भी जितना सुना उसमें यही है कि आप उसको पढ़ोगे तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब, जो आपके रोजमर्रा के सवाल हैं या आपके रोजमर्रा के रूटीन में आपको जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको उसके आंसर उसमें मिल जाएंगे। तो मुझे इसलिए लगता है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड है और वो इजी है समझने में, वहां पे आपको वो सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे जो कॉमन इंसान के जहन में आते हैं। तो मुझे इसलिए लगता है कि ये डिफरेंशिएट है बाकी किताबों में और भगवत गीता में, इसीलिए लोग ज्यादा इसकी तरफ आ रहे हैं। मैं भी बिल्कुल इसके साथ इस बात से एग्री करूंगी, क्योंकि अभी तो क्रिश्चियनिटी की बात हो रही थी ना कि क्रिश्चियन जो है सनातन धर्म में जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन अगर अब हम बात कर लें कि इस्लाम मुसलमान जो है वो भी, कब हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि वो हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, या जो बात ये करते हैं कि जो हिंदू लड़कियाँ वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो इसलिए कन्वर्ट होती हैं कि हम उनको जो है वो बचपन से, या उनको सही तरीके से जो है वो अपने मजहब के बारे में, अपने दीन के बारे में बताते ही नहीं हैं। और वही वाली आप वाली बात कि अगर बच्चे हमसे शुरू में क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास खुद भी आंसर नहीं होता, तो हम उनको जो है वो उनका ध्यान कहीं और लगा देते हैं, या यही कह देते हैं कि अच्छा अभी तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन नहीं है, या तुम्हें हम बाद में बताएंगे खुद रिसर्च करके। अगर बच्चे छोटे होते हुए जब वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनको माइंड क्लियर कर दिया जाए उन क्वेश्चन के बारे में, और उनको सही तरीके से जवाब दे दिया जाए, तो वो कभी भी अपने जो मजहब से या जो भी उनका मजहब है उससे जो है वो कभी भी भटकेंगे नहीं। तो यही हाल अभी इस वीडियो में भी हमने देखा कि जो क्रिश्चियन थे ना, उनको अपने स्कूल में अपने टीचर से सही वो आंसर्स मिल रहे थे, ना वो चर्च में जा रहे थे वहां से मिल रहे थे, मतलब कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। और भगवत गीता वाली आपकी बिल्कुल बात सही है, वो मुझे भी यही लगता है वो किसी मजहब की तरफ कन्वर्ट नहीं करते होंगे कि नहीं आपने हिंदुइज्म की तरफ आना है, वो भी पूरी इंसानियत का जो है वो दर्ज देते होंगे, इंसानों के बारे में बताते होंगे, जो कॉमन क्वेश्चन जो है इंसान के जहन में आते हैं उसी के बारे में वो होता होगा। तो इसीलिए जो हम देख रहे हैं सनातन धर्म जो है वो खाली ये नहीं कि मुसलमानों में, बल्कि ऐसा ऐसा अंग्रेजों में भी जो है वो फैलता जा रहा है, और ये अंग्रेज भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये बहुत ही कोई खूबसूरत जो है वो धर्म आप कह लो है, तो वो भी अपना मजहब छोड़ के जो है वो इसकी तरफ जो है वो ऐसा ऐसा कन्वर्ट होते जा रहे हैं।
सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, आप लोग भी जरूर बताइएगा आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कितने हमारे से हमारे अगेंस्ट हैं इस वीडियो को लेके, या कितने आपको भी हमारा रिएक्शन अच्छा लगा। तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और जरूर से कमेंट भी कीजिएगा। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दें हमें इजाजत।